हेलो, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो पिछली रिएक्शन वीडियो पे बहुत अच्छा रिस्पांस था आप लोगों का, इसलिए हम लोग एक अनदर रिएक्शन वीडियो बना रहे हैं। रिएक्शन वीडियो आ गई है। टॉपिक है एवरी इंडियन स्कूल, नॉट योर टाइप की वीडियो है, हमारा फेवरेट यूट्यूबर अभी है रिएक्शन। सो लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट से लेकर नाइन्थ क्लास तक मेरी लाइफ बहुत अलग थी। किसी को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता था मुझसे, मानो क्लासरूम का डस्टबिन हूं मैं, कोई मुंह ही नहीं लगाता था। अबे श्रीवास्तव, क्या कर रहा है यार ये? माँ बाप ने बस कचरा खाने ही सिखाया क्या? मुंह क्यों लगा रहा है मुझे? बचपन में ऑप्स बैट्स के नाम पर लड़ाइयाँ करना है। तूने मेरा बच्चा मार दिया। वो बारबी की नेम शीट को स्टिकर की तरह सर पे लगा लेना। मेरा तो एक यूट्यूब चैनल भी था, अजीब सी वाइंस बनाता था मैं उस पे। मुन्नू तू एक घोड़ा है, नुन्नू जो बोलता है वही होता है, मुन्नू ऐसा कुछ नहीं। सब्सक्राइब करें मुन्नू नुन्नू की वाइंस। मैं कहीं पर भी वाइंस बनाने लग जाता था, भले फिर बैकग्राउंड में किसी की दादी मर रखी हो। सारी जायदाद मेरी। उसके दूसरे दिन ये बंदा भी मेरी वीडियो पे कमेंट कर रहा होता है, भाई फुल हाहा वीडियो, थैंक यू मेरी दादी के साथ कोलैबोरेशन करने के लिए। ओम नमः शिवाय। जिसकी दादी मरी है वो ये इस कमेंट को लाइक करो। जिंदगी बहुत मस्त चल रही होती है, लेकिन फिर टेंथ क्लास आ जाती है। दसवीं कक्षा, नो दोस्ती यारी, ओनली पढ़ाई। टेंथ क्लास के टाइम पर तुम्हारे मम्मी पापा को भी एकदम से याद आता है, अरे हमारा तो बच्चा भी है। अरे हाँ, किधर रखा है उसे? लास्ट टाइम तो कबर्ड में रखा था, भाग गया। टेंथ क्लास में ना तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हारे पास आते हैं, इधर तुम तुम्हारे रूम में अजीब से काम कर रहे होते हो। साइंटिस्ट साइंटिस्ट साइंटिस्ट। पता नहीं क्यों बचपन में सच में लगता था कि ऐसा, पता नहीं सच में बड़े हो गए इंजीनियर बनने की, जब बनने की बारी आई है ना अभी पता लगता है साइंस कितनी हार्ड है। फिर मैंने सिलेबस देखा साइंस का, नया सपना देखा, सब कुछ देखा। हाँ मुझे पता है, मम्मी पापा के चलने की आवाज ऐसी नहीं होती। टेंथ क्लास में मेरे पापा भी मेरे पास आए थे, उन्होंने मेरे कंधे पर हाथ रखा, मेरी आंखों में आंखें डाल के देखा और कहा, ये सर पे बारबी की नेम चिट लगाना बंद कर और टेंथ क्लास आ गई है, पढ़ाई कर लेना चुपचाप। अब तो और अच्छा लग रहा हूँ, है ए हगी मारो, है ए लकी मैन, है ए ककासी सेंसेई। पढ़ ले चुपचाप, वैसे ये कर कैसे रहता है ऐसे? मेरा तो हो ही नहीं रहा। पढ़ाई पैशन और पेरेंट्स। टेंथ क्लास से तुम पर एक पढ़ाई का बोझ आने लगता है, जिसके कारण तुम्हें अपनी हॉबीज, कलाकारी, संस्कृति छोड़नी पड़ती है। हाय रे, ये विद्यालय की शिक्षा और माँ बाप की इच्छा से ऊपर वाले ही बचाए। रिलेटेबल। तुम्हें अपने टैलेंट और हॉबी को दफना कर आगे बढ़ना पड़ता है, और उस समय तुम कुछ कर भी नहीं सकते, क्योंकि अगर तुम अपने मम्मी पापा को बोलोगे कि तुम्हें अपनी हॉबी पे करियर बनाना है तो तुम्हारी बात हवा में उड़ा दी जाएगी। मजाक नहीं है, ये सच में उड़ा देंगे। दो रुपए की टैक्सी, अज्जू भाई सेक्सी, ये अरे बेवकूफ, अज्जू नेता का कचौड़ी समारोह यहाँ नहीं हो रहा है, एक गली छोड़ के। अच्छा, तभी तो बोलूं इधर इतने सारे छपरी लोग क्यों आए हैं। तुम्हारे मम्मी पापा की भी कोई गलती नहीं है, क्योंकि जो तुम्हें अपनी लाइफ में करना है उसके बारे में तुम्हारे मम्मी पापा को कुछ नहीं पता है, या तुम्हारे पूरे खानदान से आज तक वो चीज किसी ने नहीं की है। तुम उन्हें बोलते हो, मम्मी मुझे एनिमेटर यूट्यूबर बनना है, मगर उन्हें क्या सुनाई देता है? माँ बाप को समझाना बहुत मुश्किल होता है, पता है, क्योंकि इनको बस दो तीन करियर के बारे में ही पता होता है। और क्या तुम प्लीज अपना ये बाजा बजाना बंद करोगे? थैंक यू। अगर तुम इन करियर में से कुछ नहीं बन रहे हो तो तुम्हारे मम्मी पापा के हिसाब से तुम पक्का कोई क्रिमिनल या तो मैक्सिको के ड्रग डीलर बन रहे हो। कोमो ते लामूस अमीगो मैक्सिको के पुट्टे मम्मा मिया। इधर तुम मम्मी पापा को अपने सपने बता रहे हो, उधर मम्मी पापा किसी दूर के मामा के एग्जाम्पल दे रहे होते हैं कि कैसे वो भी अपने एक्टिंग के सपने लेकर सपनों के शहर बम्बई गया था, लेकिन वहाँ कहाँ सपनों के शहर बम्बई, मैं बस उसे निराशा ही हाथ लगी। तो अब बुलाते हैं नेक्स्ट कॉन्टिनेंट को। मैं सपनों के शहर बम्बई आया हूँ,
जहाँ से मैं आया वो बुरे सपनों का शहर है और मैं देखो यार मेरी तरफ से ना है जय माता दी लेट्स रॉक चिक चिक बूम फायर और ये कॉन्टिनेंट हुआ ये सब फेक होता है मेरा नाम तक नहीं पूछा तीसरा जज रोबोट है चिक 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 बूम फायर फायर कितना बड़ा स्टेज है तो चलिए अब बुलाते नेक्स्ट जय माता जी लेट्स रॉक मेरी तरफ से ना है ये वाला पार्ट बहुत सही लग रहा है मेरे को। चैप्टर टू मेरी कहानी घर घर की कहानी घर घर की कहानी। तो मैं अपने बारे में बताता हूँ तो नॉट योर टाइप जी आपने कहा कि आपको पढ़ाई में बचपन से इंटरेस्ट नहीं था जी बचपन से ही कुछ क्रिएटिव करना था आपको जी तो ये दसवीं के बाद आपने बायोलॉजी क्यों ले ली कहीं माँ बाप ने कोड़े मारे थे क्या नहीं नहीं जी मम्मी पापा तो सही है मम्मी ने तो टिफिन भी बांध के दिया है तेल छोड़ दिया चार ने तो जी ऐसा था कि मैंने बस बायोलॉजी ले ली थी मुझे नहीं पता था इतना पढ़ना पड़ता है ग्यारहवीं और बारहवीं पता ही नहीं चला इसकी माँ का दो साल कहाँ निकल गए जी 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 और फिर हवाबाजी में बंदी भी बन गई तो यूट्यूब करने का टाइम ही नहीं मिला जी 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 चाय पिएंगे आप पिलाएंगे तो क्यों नहीं पिएंगे तो आप लोग भी बने रहिए उसमें मुझे क्या मिल रहा है मेरा क्या फायदा पॉडकास्ट में ये रियल कहानी है मेरा प्लान तो वीडियोस बनाना ही था पर पढ़ाई के प्रेशर में दो साल कहाँ निकल गए मुझे पता भी नहीं चला। हाँ मैं बायोलॉजी के अलावा कोई सा सरल सब्जेक्ट जैसे आर्ट्स लेके आर्ट्स का मैन मैं हूँ दुनिया का रखवाला आर्ट्स भी बन सकता था पर मेरी स्कूल में मैथ्स बायोलॉजी और कॉमर्स के अलावा कोई सब्जेक्ट ही नहीं था और देखो मुझे कॉमर्स और मैथ्स को लेना नहीं था क्योंकि कॉमर्स वालों को स्कूल में कोई हमारे स्कूल में भी यही था ये तीन ही के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था चौथा अच्छा तो ये लो पानी अरे अरे क्या कर रहे हो सच बोल रहा हूँ बंटी और रोहन ने आग लगाई है चल बंटी कमाल पार्क के मचा दे धमाल भाई तुझे कितनी बार बोला है मुझे वो डायलॉग तुमको हिचकिया है लगता है अपुन को भी कोई याद कर रहा है भाई पक्का रवि ने चुगली लगाई होगी हाँ यही थे मेरे कॉमर्स वाले वैसे ये मोटा पार्क के आग फैलाने वाला था यही था इसके धमाल का मतलब मेरी स्कूल में बैन है ये दोनों शायद भारत की सभी स्कूलों में बैन होंगे तिहाड़ जेल में अभी ये दोनों वैसे चल बंटी कमाल बात के मचा दे धमाल भाई तुझे कितनी बार बोला है मुझे वो डायलॉग पसंद नहीं अपुन को हिचकिया है रे लगता है कोई याद कर रहे ला भाई पक्का रवि होगा अब अगर मैं मैथ्स की बात करूँ तो मैथ्स के साथ मेरे रिश्ते बहुत बेकार है ये तो कर लेते हैं मैं तो भाई मैं रह जाता हूँ तीन पार्ट टॉपर हूँ मैथ्स में टॉपर घंटा 12th के बाद मैंने सोचा था कि अब मैं आराम से वीडियोस बनाऊंगा लेकिन फिर मुझे नीट के बारे में पता चलता है जिन लोगों को नीट के बारे में पता नहीं है ये जेई जैसी एग्जाम होती है और जिनको जेई के बारे में नहीं पता ये नीट जैसी एग्जाम होती है मेरा नाम पपलू है और मुझे पसंद है। सरल भाषा में कहूँ तो नीट के एग्जाम से तुम डॉक्टर बनते हो उस टाइम मैंने सोचा कि मुझे तो कभी डॉक्टर बनना ही नहीं था तो ये फिर किस रास्ते पे जा रहा हूँ मैं पवन दारू ठेके के रास्ते पे अरे साले बेताल भगजा ने तो चटका लगा दूंगा नहीं मैंने अपने मम्मी पापा को समझाया कि मुझे डॉक्टर कभी बनना ही नहीं था लकीली उन लोग को मेरी बात समझ में आई और उनने मुझे डॉक्टर से थोड़े से कम कठिन कॉलेज में डाल दिया फार्मेसी पर खैर अब मैं वीडियोस बना सकता था पर सच कहूँ तो वीडियोस बनाने का पैशन इतना था मुझ में अगर डॉक्टर भी बन जाता तो वीडियोस तो तब भी बना रहा होता मैं लेकिन थोड़े अलग प्रकार की नमस्कार दोस्तों मैं हूँ श्री डॉक्टर आयु MBBS MD MS BSc PSG नेमार मेस्सी क्रिस्टियानो रोनाल्डो MCBC और मादर सबसे पहले हमारी डॉक्टर मेंबरशिप खरीदने वालों को शाउट आउट दे देते हैं पैरालाइज नानी हीमोग्लोबिन संजू एड्स का मरीज राजू और नीट एस्पिरेंट सरोजनी और हमारे लिए आया है मेरी माँ मर गई तेरी वजह से हराम कौर थैंक यू फॉर ₹5 सुपर चैट चलिए अब इस मरीज का पाइल्स का इलाज करते हैं डॉक्टर डॉक्टर मेरे मरने के बाद आप क्या बोलोगे लाइक शेयर सब्सक्राइब डॉक्टर ये तार उठाएगा मुझे लग रहा है मुझे लग रहा था इसकी तार उठ गई दोस्तों आज के लिए बस इतना ही होप आपको लाइव स्ट्रीमिंग पसंद आई होगी Like, share, subscribe. ये
कंफ्यूजन. ओके, तो इस वीडियो से मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि तुम जो भी कर रहे थे उसे छोड़कर तुम अपने मन करने लग जाओ. मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर तुम इसे काम में अच्छे हो किसी हॉबी में तो उसे कभी छोड़ो मत. यार पता फ्यूचर में वही तुम्हारा करियर बन जाए. एंड मम्मी पापा को समझाना मुश्किल है पता है मुझे, बट इम्पॉसिबल नहीं है. आज या कल तो मान ही जाएंगे. एंड इफ तुम्हें वीडियोस थोड़ी सी भी पसंद आती है तो लाइक करो, ठीक है? मुझे नहीं पता, मुझे 4 लाख लाइक चाहिए तुमसे, ठीक है? हमें 4 लाख चाहिए. लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और कमेंट में बताएं. 40 लोगों को भी चलेगा. औकात में रह के मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में. तब तक के लिए गुड बाय. है आदमी चूतिया है, कुछ भी चाहता.